बहुत सारे लोगों को ये देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस की जब बात हो रही है तो जिसमें एहतियाती तदाबीर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दीगर हुकूमतों ने गवर्नमेंट से दी है तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ख़ास तौर से मुस्लिम लोग ये कह रहे हैं कि तवक्कुल के ख़िलाफ़ है, अल्लाह पर भरोसा तो ये है कि इंसान डरे ना, बिल्कुल आगे बढ़े। तो मेरे भाइयों, मैं कुछ बातें आपको बहुत सीरियसली समझाना चाहता हूँ, कोरोना वायरस और ऐसी बीमारियों का बीजी ना ले। आइए, सबसे पहली चीज़, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, बीमार ऊँटों को जो है सेहतमंद ऊँटों से अलग रखो। या कुछ उलमा इसका तर्जुमा करते हैं, बीमार जानवर और बीमार इंसान को, और सेहतमंद जानवर और सेहतमंद इंसान को अलग रखा जाए। मतलब बीमार ऊँट और बीमार ऊँटों को और सेहतमंद को अलग रखा जाए, बीमार इंसान और सेहतमंद इंसानों को अलग रखा जाए। इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग में एक दूसरे से दूर रहना, हाथ ना मिलाने का कहा जा रहा है, और ये बात से बात भी साबित है। आइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रिवायत में आता है कि एक जुजामी शख्स लाया गया, कोढ़ी शख्स लाया गया, वो आदमी जिसको लेपर कहते हैं, लेप्रसी वाला शख्स लाया गया। और हम जानते हैं लेप्रसी जो है वो भी थूक से और नाक से निकलने वाले मादों से फैलती और दूसरों को लगती है, और उसके बाद स्किन पर पैचेस आने से लेकर हाथों का, उंगलियों और पैरों की उंगलियों का खत्म होना, झड़ जाना, टेढ़े मेढ़े हो जाना, ये होता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लेपर, एक जो है शख्स आया जिसको जो है जुजाम था, वो कोढ़ी था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो बैत लेने आया था, उसने हक़ को इख्तियार किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उससे हाथ मिलाए, रिवायत में आता है, ना उससे बात की और उससे फरमाया कहा, और दूर से कहा उसे कह दो उसकी बैत को हमने कबूल कर लिया है और उसको भेज दिया, रिवायत में आता आपने उससे हाथ भी ना मिलाया। तो इससे पता चला कि बीमार इंसान से जिसकी बीमारी फैल सकती है उससे एहतियात करना ज़रूरी है, और सुन्नत से ये बात साबित है। अब आइए, आप ये कह सकते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता था कि जुजामी शख्स है, इसलिए आपने हाथ नहीं मिलाए, लेकिन यहाँ कोरोना वायरस के चलते आप क्यों कह रहे हैं कि हाथ ना मिला एक दूसरे, जबकि हमको पता नहीं है। तो हाँ, सिचुएशन यही है कि हमको पता ही नहीं है किसको हुआ है, और बताया ये जा रहा है कि कोरोना वायरस का जो मरीज होता है, जब उसके ऊपर वायरस का हमला होता है, अटैक होता है, उसे कई दिनों तक भी हो सकता है ना पता चले कि वो मरीज़ है, बल्कि उसके वजह से दूसरे लोग इन्फेक्ट होते जाएंगे और उसको खुद पता नहीं होगा कि वो मरीज़ है। तो ऐसे सिचुएशन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पता था कि वो जुजामी इंसान है, आपने उससे हाथ नहीं मिलाया। ऐसे सिचुएशन में जब हमको शक है कि सामने वाले को हो सकता है, वो होस्ट हो सकता है, उसके अंदर वो बीमारी हो सकती है, वो हमको लग सकती है, हालांकि उसको खुद नहीं मालूम बीमारी है, तो यहाँ ये एहतियात करना कि हाथ मिलाने से रुक जाने में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई हर्ज नहीं, याद रखिए। तो लिहाजा हाथ वगैरह मिलाने से एहतियात करें। अब रहा उस हदीस पर आप सवाल कर सकते हैं कि कोड़ी के ताल्लुक से जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि छूतछात कोई चीज़ है कि छूने से बीमारी हो जाएंगी? नहीं, ये हमारा बिल्कुल अकीदा नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े बयान किया कि ला अदवा, के अदवा छूतछात कोई बीमारी नहीं है। इसका क्या माना है, इसको भी समझ ले, छूतछात कोई बीमारी नहीं है का माना ये है कि बीमारी जो है छूने से नहीं, अल्लाह के हुक्म से आती है। माना यह है कि बीमारी एक दूसरे को लग सकती है, डिसीजेस कैन बी कंटेजियस, लेकिन हमारी बिलीफ और अकीदा ये कि कंटेजियस डिसीज़ भी उसी को लगेगा जिसको उसका रब, उसका अल्लाह, उसका पालन करता, समझ रहे आप, ऊपर वाला चाहेगा। तो ये हमारा अकीदा है। तो इस्लाम कहीं भी इससे मना नहीं करता कि डिसीजेस कंटेजियस नहीं होते, होते हैं, लेकिन लगते अल्लाह के हुक्म से। तो जब किसी को लग जाए तो अल्लाह के हुक्म से एहतियात करना मेरा और आपका काम है। तो लिहाजा यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुजामी शख्स से दूर रहने का हुक्म दिया। इसका ये हरगिज़ माना नहीं कि डॉक्टर भी उससे दूर रहे, माना यह कि अगर प्रिकॉशन लेकर उसका इलाज किया जा रहा है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन आम तौर से ऐसे लोगों से दूर रहा जाए। तो लिहाजा ये तवक्कुल के मुनाफी नहीं, हाथ मिलाना छोड़ देना थोड़े, और वैसे भी हाथ मिलाना सुन्नत है, तो लिहाजा छोड़ देने में कोई हर्ज नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करने में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई शरई कबाहत नहीं है। इसी तरह नमाज़ी वगैरह में भी ज़ाहिर सी बात है लोग मिलते हैं, तो नमाज़ी वगैरह को भी बाजमात ना पढ़ने में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई हर्ज नहीं है, चूँकि ये सिचुएशनल है हालात के अतबार से, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ चूँकि आपकी नीयत जो है फ़र्ज़ नमाज को बाजमात पढ़ने की, अल्लाह ताला आपको घर में पढ़ी गई नमाज का भी अजर इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़र्ज़ नमाज जो बाजमात मस्जिद में पढ़ी जाती है उतना ज़रूर देंगे, चूँकि आपकी नीयत तो वही है। लेकिन एक मसला यहाँ जो देखने में आ रहा वो ये है कि सबसे ज़्यादा गुस्सा उन्हीं लोगों को आया जब मस्जिदों में नमाज बंद हुई, दीनदार लोगों को तो आए, लेकिन सबसे ज़्यादा उनका जो कभी मस्जिद में भी नहीं आते थे, मस्जिद कैसी बंद हो सकती, हम देख लेते कौन मस्जिद को बंद करता, अरे भाई तुम कभी आते ही नहीं, इतना गुस्सा क्यों आया तुमको, इतना जोश और जज्बा क्यों आया? तो जब मस्जिदें खुली थी, जब जाने की तौफीक नहीं थी, अब बंद हो रही, तो जोश और जज्बा ये कि बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन दीनी एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ तमाम मकतई फ़िक्र के दीनी रहनुमा, उलमा, मुफ्तियान इकराम और सब ने ये फतवा जारी किया है कि ऐसी हालत में मस्जिदों में नमाज़ बाजमात ना पढ़ी जाए। तो लिहाजा आप एहतियात करें, ये एहतियात तवक्कुल के मुनाफी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आपके अल्लाह पर जो ट्रस्ट है उसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है, बल्कि अल्लाह पे तवक्कुल का माना ही है एहतियाती तदाबीरें, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया जाए और फिर अल्लाह पे ट्रस्ट रखा जाए, तवक्कुल किया जाए। तो लिहाजा इंशाअल्लाह अज़ीज़ सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करने में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी मसला बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिए।
السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔